Assalamualaikum, मैं हूँ आपकी होस्ट वीना मलिक एंड वेलकम टू मस्तियाँ। हर काम की तरह ख्वाहिशें भी वक्त पर पूरी हों तो ही अच्छी लगती हैं। अगर किसी ने 25 साल की उम्र में फरारी हासिल करने की ख्वाहिश की हो और वही फरारी उसे 75 साल की उम्र में मिले तो फिर वो बेचारा क्या करेगा। मगर वो कहते हैं ना कि साइकिल पर बैठकर रोने से बेहतर है कि बंदा फरारी में बैठकर रोए। पूरी दुनिया की बादशाहतें ख़त्म कराने वाले बरतानिया ने अपने शाही ख़ानदान को ऐसे संभाल कर रखा हुआ है जैसे महकमा जंगली हयात तेंदुए की नस्ल को बचा कर रख रहा होता है। प्रिंस चार्ल्स किंग तो बन गए मगर किंग बनकर क्या वो खुश हैं? आइए देखते हैं। असा यार मनावना है हमें सिर दी बाजी लग जावे यो गठड़ा चावना है यो गठड़ा चावना है। एक्सक्यूज मी, ये क्या बात है? आप सिक्योरिटी पे हैं यहाँ पर? और असिये थे बाबू बैठ डाले हैं। ये इतना बड़ा एक तो पैलेस है उसमें सिर्फ दो सिक्योरिटी गार्ड और वो भी गाने गा रहे। ऐसी बात नहीं, ऐसी पुरसुकून बड़े हैं। आपका मुंह भी टेढ़ा बिल्कुल ऐसे हो रहा है, आप तो मुझे खान साहब लग रहे हैं कोई। ए, कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, जब तक वो माई थी तब तक यहाँ चीज के चाड़ा पड़ा रहता था। माई से मुराद आपकी मलका एलिजाबेथ? आप बिल्कुल सही पहुंची हैं। असा यार मनावना है Here comes the king and the queen. आवे सिर दी बाजी लग जावे यो गठड़ा चावना है यो गठड़ा चावना है आवे सिर दी बाजी। आप लोग वापस क्यों जा रहे हैं? बादशाह सलामत, प्लीज वेलकम वेलकम। ए तोड़े आउन दी खुशी जैसे ढोले भाई ये गांदे ऐसे। आज भी मेनू लगदा के इथे अम्यूरी बैठे। अम्यूरी? ये वहम है, तुम्हारा वहम है। कमेला मेनू लगदा कि अम्यूरी इथे बैठे ने, उन्हें कितने इधर आके मेनू कहणगे चार्ल्स कान फड़ ले। ऐसा कुछ भी नहीं है, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। सच? हाँ। बैठा अब यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं आएगा। किंग चार्ल्स, इतना टेस्ट है आपका, ये क्या बेसुरे गवैये रखे हुए आप? कमेला जदों दा हैरी मैंने धोखा करके गया ना, मेरा दिल नहीं लगता, मेरा मुंडा उत्थे अमरीका लैना च लग के बर्गर लै रहा, डिशवाशर हो गया उत्थे जाके। किंग चार्ल्स, मुझे लगता है कि हैरी की वजह से आप बहुत दिल बर्दाश्ता हैं। ऐ की कीता? ऐ मेरे ने धोखा कीता तुसी? क्या हुआ? क्या हुआ? तुसी मैनूं पहले दस दे कि मैं इहदे शो च आणा ते मैं कदी इत्थे आंदा ही ना। मेरा शो? तू मेरे पैलेस वड़ी किवें? ये मस्तियां हो रहा है, मैं आपका पैलेस कवर करने आई हूं। मस्तियां ही करनियां सी, तू पहले भी मेरे मुंडे हैरी ने मस्तियां कीतियां ने। मैंने? मेगन, मैं तैनूं पछाण लिया। किंग, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि डायना तो बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी और बस मेरे यहाँ होते हुए एक डायना का नाम लेने वाली तुम डायन होती कौन हो? चली गई, टुर गई, छड़ दियो, उसी उन्होंने तो जिक्र ना करे करो, मैंने तकलीफ होंदी है। आपने भी तो उसको बहुत तकलीफ दी थी। उन्हें को मेरा हक से जिन्नी को मैं देती। 70 प्लस इयर्स इंतजार करना बादशाहत के लिए बड़ा तकलीफ दे रहा होगा ना आपके लिए? जी तो शदीद बीमार होंदे सन। अच्छा, तो मैं उदन ही वर्दी पा लेना सन। फिर कोई ना कोई वाकफ रिश्ता निकल आता, छड़ जाता। अच्छा, मैंने सुना है किंग मेगन के साथ आप लोग बड़ी डिस्क्रिमिनेशन करते थे, इसलिए वो हैरी को लेके चली गई यहाँ से। ये की तैसी होते ना? बुरा से लोग करते थे उसके साथ? सादा मुंडा उन्हें पोट ले है। हाँ। तू ही इत्थे ते मैं भी इत्थे, याद रखी। की? मैं मॉर्गन फ्री मैन नु क्या के उन्हें चपेड़ा ना पाई है ते मेरा ना किंग ने। क्यों? उन्हें मेरा हैरी पोटे है। मैं विल स्मिथ नु क्या के उदा कुत्ता ना उन्हें पाया। मेगन नु ते मेरा ना किंग ने। मैं मेगन नु फ्लैंक के क्यों पानी है सैमुअल जैक्सन नु क्या? ये सारे मेरे ताबेदार ने। इतना गुस्सा? मैं कतर दे दौरे ते गया सा थे, ए बादशाह सलामत ने तोहफा दिता सी, उन्हें डब्बा जे मैनू फड़ाया, मैं आके खोलिया ते विचों ए निकलिया। अरे क्या बात है इस। कमेला मैं तेनू कई बारी क्या, इन तोशा खाना च जमा करा दे, बाद च असीं इहदे किथे हिसाब देंदे फिरांगे। आपके पास भी तोशा खाना है? ए साडे कोल जिहड़ा शोशा खाना, साडे कोल पागल खाना, अरे वाह वाह, साडे कोल शराब खाना, साडे कोल गुतल खाना। इहदा खाना खराब होवे मैनू याद नहीं जिहड़ा ने याद कराया। साडे कोल बर्ची खाना भी अपना ही है जनाब। हां, मेरा बड़ा वफादार है। आए। इसके साथ तो बहुत ही प्यार है, पता नहीं ऐसा क्या किया है। बेजरर है, अभी पूरे सेगमेंट च ना ने परफॉर्मेंस देनी ना को गल करनी, थोड़े दिन मैं प्यार भी ना करा। तेरी परफॉर्मेंस तो तुसी रोक देंदे हो, तो मैं की करनी है। अच्छा, ये आपके दिल में मेगन और हैरी के लिए बहुत ज्यादा हेट्रेड है ना, ऐसे तो औरतें बिहेव करती हैं, आप किंग हैं, दिल बड़ा करें। मैं उन्हें माफ नहीं करांगा मेगन। क्यों? देखो जी, मेरी वालदा जो मरी है, बहुत लेट हो गई सी अम्मी जी,
ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰੀ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੋਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ, ਉਹ ਪਰੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਗਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਐਕਟਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਾਂਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਈ। ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੈਸਲੀਨ ਜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਫਿਰ ਅਥਰੂ ਜੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਮੇਗਨ ਦੀ ਦਾਦੀ ਸੱਸ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਵਹਿਣ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਕਿੰਗ, ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਰੋਤੇ ਵੋ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ 5 ਘੰਟੇ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਅਫਸੋਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਡਾਇਆਨਾ ਆਪਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਥੀ ਔਰ ਆਪ ਉਸ ਪੇ ਚੀਟ ਕਰਤੇ ਰਹੇ, ਕਿਤਨੀ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਕੋ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਡਾਇਆਨਾ ਦੀਆਂ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਕ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਇਤੇ ਮਾਸੂਮ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ਕ ਕੀਏ ਹੈ। ਵੇਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਕਿੰਗ ਪੈਲੇਸ ਟੁੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚਾਰਲਸ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਭੇਸ ਵਟਾਇਆ ਚਾਰਲਸ ਤੇਰੇ ਮਿਲਨੇ ਲਈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਛੱਡੇ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਾਮ ਲਈ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਸਾਈ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ? ਯੇ ਮੁਝੇ ਆਪ ਬਤਾਏ ਕਿ ਕੌਨ ਸੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਥੀ ਜੋ ਡਾਇਆਨਾ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਥੀ ਔਰ ਕੈਮਿਲਾ ਮੇਂ ਆਪਕੋ ਮਿਲੀ, ਕਿਆ ਹੈ ਇਸਮੇਂ? ਯੇ ਜੋ ਤੁਮਹਾਰੀ ਜੈਲਸੀ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਯੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੂੰ ਵੀ ਨਾ। ਦੱਸੇ ਨਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੜਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਹਿਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਪੈਰਿਸ ਫਿਰਨ ਡਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਉੱਥੇ ਟਾਵਰ ਕੋ ਖਲੋਤੀ ਛੱਲੀ ਖਾਣ ਡਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਢਿੱਲਾ ਮੈਂ ਚਾਲਸ, ਤੂੰ ਢਿੱਲਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਝੁੰਡੂਆ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ, ਡਾਇਨਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ। ਵੀਨਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਸੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਆਜ ਕੇ ਇਸ ਦੌਰ ਮੇਂ 2023 ਮੇਂ ਕਿਆ ਇਸ ਪੈਲੇਸ ਕੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ? ਅਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਣੀ। ਰਾਜ ਤੁਮਨੇ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਇਕਰਾਰ ਨਾ ਕੀਆ ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੂੰਗੀ। ਓਕੇ, ਲੈਟ ਮੀ ਆਨਸਰ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਵੀ ਬਕਿੰਗ ਪੈਲਸ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਪੁੱਛਣੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰੀ ਵੈਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਕਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਮੇਂ ਤੋ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਮੇਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਸੋ ਇਸਕੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਦੈਟਸ ਕੁਆਇਟ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਤੋ ਆਪ ਲੋਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਇਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਿਸਟਮ ਅਭੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡੀ ਵੀ ਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਵੇਖੋ ਮਹਿਲ 'ਚ ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਹਾਂ, 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੀਗਨ ਔਰ ਹੈਰੀ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਯਹਾਂ। ਵੇਲਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਡਾਂਸ ਹੋ ਜੇ। ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਡਾਂਸ ਕਿਉਂ ਕਰਤੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, 60s ਮੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋ ਮੁਸਬਤ ਲਾਈਟ ਮੇਂ ਦਿਖਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਥੀ ਜਿਸਕਾ ਨਾਮ ਥਾ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਮੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ ਸਜਾਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਸੈਰ ਪਰ ਲੇਕਰ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਕਾ ਫਾਇਦਾ ਯੇ ਹੁਆ ਥਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਆ ਥਾ ਉਸ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕੋ ਬਹਾਲ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਕੀ ਖੋ ਗਈ ਥੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ। ਗਾਰਡਸ ਜੀ, ਇਹ ਯੋਹਾਨਸ, ਆਜ ਕਾ ਹਮਾਰਾ ਪਲੈਨਰ ਕਿਆ ਹੈ? ਆਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਗਲਾਸ ਕੋ 5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਖੋਖੇ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਿਪਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਫੀਤਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦਾ ਤਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਬਤਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਗੁੜਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਤਕਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਸ ਪਾਸ ਮਲਕਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਪਾਸ ਪਾਸ ਮਲਕਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮਲਕਾ ਹੈਗੀ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਦਨ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅੱਛਾ, ਆਪਕੀ ਮਿਜ਼ਰੀ ਸੇ ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕੁਈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਊਨ ਕੋ ਇੰਜੋਏ ਕੀਆ ਥਾ ਨਾ, ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੇ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕੁਈਨ ਕੋ ਤੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾ ਕੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਣਿਆ,
जो तो मैं खटमंडू जाना सी। अच्छा खटमंडू इसलिए? मैं सादे भी वो मुल्क जो सारे जलजले वाले। अच्छा चलो, पहले तो आप बादशाह नहीं थे ना, तो आपने बड़ी मजबूर दुखी जिंदगी गुजारी, अभी आपको क्या क्या लग्जरीज मिली हैं? इंडिया का मुंडा जो सा वजीर आजम हो गया। हाँ हाँ, ऋषि सुनक। सुनक जो मेरा ख्याल है कि उस पैनक फैलाना चाह रहा है, ये कोई साढ़े हक च नहीं। कोई बात नहीं, आ रहा है, खुद ही बात कर लेते हैं, उसने यहाँ रहना है कि नहीं। अब देखो कौन बार अकाउंट कहाँ दे फिर बार मैं तो टीवी च वेखन डे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो किंग, इधर है तुम्हारा विंग, हैव योर सीट। मिस्टर एंड मिसेस ऋषि सुनक, राइट? यस यस। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हाँ, तुसी सुनाओ की हाल ने थोड़े? बिल्कुल ठीक ठाक। तुसी तो पंजाबी बोल दे हो। जी जी। पंजाबी ना ते पंजाबी विच गल करांगे ना। ओ वाओ। जी जी। असी तेनु बरतानिया दा वजीर आजम बनाता, तू स्ट्रगल करने वाले बूट नहीं लाए। लोगों नू खुश करी जाने ते इत्थे शाही खानदान तेरे तो बहुत तंग है। क्यों? ओ तेरे तो पहले दो वजीर आजम दा तू सिर लै गया मनू साहब। एक जॉन्स बोरसन चंगा हुंदा सी मुंडा। बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन देखिया दा सिर खुले झाड़ू वर्गा दा सिर। ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇੰਝ ਲੱਗਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ, ਕੋਈ ਚੈਨ ਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ, ਰਾਈਟ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਲੈ ਗਈ। ਸੁਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਓਏ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅਦਮਤਬਾਦ ਦਾ ਵੋਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪਛਤਾਉਣ ਡੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਉਣ ਡੇ। ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਲਿਖ ਲਓ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਕਿੰਗ ਕਿੰਗ, ਕਿਉਂ ਅਬ ਤੱਕ ਤੁਮ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਮ ਕਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਏ, ਕਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿੰਗ ਹੋਏ ਹੋ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੱਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਿੰਗ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਮੀ ਗਿੱਦੜੀ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ? ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਵੈਸੇ? ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸੂਰਜ ਡੋਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਗਰੂਬ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ हल्की जी धुप सेकण लगना तो सूरज शुम हो गया। मिसेस ऋषि, आपको कैसा लगता है आपका हस्बैंड एक NRI है और एक्चुअली इसका पाकिस्तान से भी ताल्लुक है ना पीछे और से? ना की लेना ना लोग तो प्राइम मिनिस्टर बन गया। देखो जी, इनकी मेहनत है, ये अपने मुल्क नाल प्यार करते ने, इंसानियत नाल प्यार करते ने, हर उस शख्स नाल प्यार करते ने जिन्हों इन्हों की लोड़ है। जी जी। Out! Megan! Get out! Come here! From my palace! Get out! Just a second, King! Please! क्या इसी सलूक की वजह से मेगन ने घर छोड़ा? Don't try to touch me. मैं यहाँ पर कदम भी नहीं रखना चाहती. मैं तो इस महल को उस दिन ही भूल चुकी थी जब आपने हमें यहाँ से दलील करके निकाला था। नहीं, तू एडी अच्छी आर्टिस्ट नहीं, तेनू डायरेक्टर नहीं रखता, तेनू प्रोडक्शन मैनेजर रखांदा है। आपने महल की जमीन के नीचे खजानों के खजाने छुपा के रखे। अच्छा। मैंने खुद अपनी आंखों से दादी सास को वो सारी डिटेल्स पेपर पर लिखते हुए देखा था। मैंने भी उस चिढ़ते शख्स से ताला तोड़ के चिटकड़ी अमीर दमे दी दवाइयां लिखी सर कखरी से। कसूर जी, जितना भी कॉमेडी करके बात को इधर उधर टाल लें, लेकिन मैं आज अपना हक इस पैलेस से लेकर जाऊंगी। मेगन, 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 जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझाएं ससुर जी को। मेगन, तू जड़ी बकिंगम पैलेस हैरी फेरी करनी से कर ली, उन्हें तो तेरे कुछ नहीं मिलना। मैं भी देखती हूँ कि मेगन को उसका हक कैसे नहीं मिलता। योर मैजेस्टी, थैंक यू, ये है मेरी सास। मैं तुम्हारा साथ दूंगी बस। गद्दारों का साथ रहते, बागियों का साथ रहते कमेला। कोई गद्दार नहीं, वो भी आखिर इंसान है, उसके सीने में भी दिल है। इजानस, मुझे मेरा हक कब दिलवाएंगी? आपको हक है क्या? क्या चाहिए आपको? मुझे हिस्सा चाहिए। ए डाकू औरत, बस मेरा हैरी इस वेले किस हाल चे? अल्हम्रा हाली। बकवास मत करो शाही दरबार,
हैरी बहुत बुरे हाल में है, लेकिन मैं उसके इस बुरे वक्त में साथ हूँ। उसके हर कदम पर मैं उसका साथ दूंगी। मैं हैरी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं थोड़े थोड़े एडवांस पे फिल्म्स करके हैरी की जान बचाऊंगी। मैं वो सब करूंगी। मैं पैसा जमा करके उसकी जान किसी भी सूरत बचाऊंगी। मैं थूकती भी नहीं इस तुम्हारे सोने के महल पे। मैं जा रही हूँ। मैं तो हैरान हो रही हूँ, मेगन अपना हिस्सा लेने आई थी मगर चली गई खाली हाथ। हिस्सा लेना इसी? हाँ। देखो मैं एक गल करके रू कैसा कम ते लाया। हैरी बादशाह का पुत्र है, काम मैं करेगी वो वेला बह के खाएगा। We will take a short break here. Don't go anywhere. Welcome back to मस्तियां। कभी आपने जमाने की हजारों मील लंबी तार पर लटके लफ्जों पर गौर किया है कि उन लफ्जों के बीच में कितने नूरी साल का फासला है? कभी आपने फितरत की खामोश झील की गहराई नापने के लिए तखयल की उल्टी कलाबाजी खाई है? वो जो धार की सूरत में पर्वत से झरना गिर रहा है उसके पीछे कौन खड़ा है? आए। और ये सब जानने के लिए हमने अपने डमी स्टूडियो में दावत दी है शोहराए आफाक शायर जॉन एलिया, और उनके साथ मौजूद हैं शाहीन आतशी जो शेर व शायरी पर तबाज़माई करते हैं। जॉन भाई, दिल की तकलीफ कम नहीं करते, अब कोई शिकवा हम नहीं करते। वाह, क्या कहने, बहुत खूब। वो जो कहता था कि कुछ नहीं होता, अब वो रोता है चुप नहीं होता। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ नहीं, और मेरे कमरे को सजाने की है तुम्हें, और करना भी ना, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है, 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 है। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्ज है, और इस रम्ज का मारा हुआ जहन जो मज़दाए इशरत अंजाम नहीं पा सकता। अभी ना मैंने तो सुना था कि ये छोटी बहर के बहुत बड़े शायर हैं, लेकिन ये बड़ी बहर के बहुत छोटे शायर। अच्छा, ये जॉन एलिया साहब भी नहीं लग रहे मुझे। वो है ही नहीं ये। जिंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। वाह, यूं ही मौसम की अदा देखकर याद आया है किस कदर जल्द बदीद हो जाते हैं इंसान। आप मुझसे मिलने को आए हैं? रुकिए, बुला कर लाता हूँ। नहीं नहीं, बैठे बैठाइए। जॉन, जॉन, कोई बाहर आया है, आता हूँ। जॉन जी बोलिए, आप ऐसे शेर क्या काम है? आप ऐसे शेर क्यों कहते हैं जो कभी कभी समझ नहीं आते? मैं शेर कहता नहीं, शेर निकल जाते हैं। आप लोग मेरे स्टूडियो में आए हैं, थोड़ा मुझे मौका दे, मैं आपसे बातचीत कर सकूं। जॉन, आप मैं यहाँ तस्दीक कर दूं, मैं जॉन से इंस्पायर हूं और मैं उनका बहुत बड़ा मद्दा हूं। उन्होंने जो अशार कहे हैं आतशी साहब, शायरी कर रहा है उसमें कोई शायर हो जिसने ऐसे अशार कहे हो। अच्छा, ये जब इस गेटअप में आप फिरते हैं जॉन, तो लोग तो बड़े ऑटोग्राफ्स वगैरह लेने आते होंगे, पिक्चर्स खिंचाते होंगे। मैं कहता हूँ मौत होती है, लड़कियाँ चीखें मार के बेहोश हो जाती हैं। इतना रश, हम कतर गए थे एक दफ़ा। अच्छा। आतिशी मेरे साथ थे वहाँ, शेख से हमारी सारी डील हो गई कि हम एक बहुत बड़ा मुशायरा करेंगे। अच्छा। ये कतर में अभी फीफा के साथ ही हमारा मुशायरा। वाह वाह। और शेख यूं सोने की तलवार लाया था, तेज धारी। अगर अगर इन्होंने शेर गलत सुनाया तो इसी से इनके सर काट देंगे, फिर वो मुशायरा जमा। ओफ ओफ। लेकिन वहां से हमें भागना पड़ा कि भाई उकदा खुल चुका कि मैं जॉन हूं ही नहीं। उकदा तो खुलना ही था, हमारे पीछे शेख और हम शेख के आगे। आतशी साहब, वो तो चलो जॉन एलिया को कॉपी करते हैं, ये आज के दौर में शायर बनना मतलब कोई और कारोबार भी तो कर सकते थे ना आप। देखिए वैसे, हाँ, सही बात है। वैसे क्या काम करते? इसी से पूछना भी, आतशी निहारी वाला कहाँ रहे? अरे 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 अरे। आप एक बार तो पापोश नगर में बिल्कुल जिंदगी रुक गई थी। अच्छा। जब मैं पहली मरतबा गुस्से में आया। ओहो, क्या कहमत गुजरी भैया, मोसज आदमी है शायद। वो मेरी दुकान से प्लेटें गुम होना शुरू हो गई। ओहो, आई वो जो गोल वाली स्टील की, बड़े वाली सारी गुम होना शुरू हो गई। धड़ाधड़ गुम हो रही है, धड़ाधड़ गुम हो रही है, धड़ाधड़ गुम हो रही है।
मुझे जब पता चला तो मैं फिर खड़ा हो गया। अच्छा। मैंने कहा मोहल्ले वालों, दुकानदारों, कान खोल के सुन लो, शाहीन आतिशी आपको मोहब्बत में भी कह रहा है कि मेरी जिस जिस के पास प्लेटें हैं वापस लौटा दो। इसी ने मेरी प्लेटें वापस नहीं की। आतिशी फिर अपनी आतिशी पे उतरे। क्या किया आपने? फिर मैंने शेर सुनाया। बा बुलंद आवाज मैंने खड़ा होके कहा, क्या प्लेटें क्या घूमी मेरी दुकान की के रुत ही बदल गई, लोगों ने मेरी प्लेटों से अपने किचन सजा ली। क्या कहने भाई, फिर यू प्लेटें शुरू हुई हैं, कोई इधर से आके लगी, कोई इधर से आके लगी, कोई यहाँ लगी, कोई वहाँ लगी। मेरी तो जितनी गुम होनी थी हुई, उसके साथ में 50 प्लेटें और आ गई। ये बताएं कि आपके घर वाले भी आपके शेरो शायरी सुनते हैं? अरसा हो गया घर से निकले हुए। क्यों? नहीं बातों से सोचा था पिछली ईद पे उनके दिल में रहम आ जाएगा। अच्छा। पहले मोहल्ला ने कहा चलो गलतियाँ हो जाती बच्चों से, बलवा लो उसको अच्छी को। अच्छा। चला गया बस ईद पढ़ने के बाद। अभी मैं गले भी किसी के नहीं मिला था, वह हरकत होगी। क्या? फिर शेर हो गया। ओए होए। फिर मैं स्टेशन पे था, वो गर्मी थी। कितना कमा लेते हैं आप शायरी से। जहन बन रहा है, जहन बन रहा है, जहन बन रहा है। अगर आप चाहें तो शाहीन आतिशी निहारी हाउस पे वीना मालिक निहारी हाउस भी लिखा जा सकता है। नहीं मैं निहारी की इतनी बड़ी फैन नहीं हूँ। भाई साहब ये बताइए कि आपकी एक प्लेट निहारी की कितनी की है? आपके आवाज से लगता है जैसे जमीर बातें कर रहा है। जमीर से बातें करनी चाहिए। पैसे मैं ज्यादा लेता हूँ, इतना मैं काम नहीं करता। आतिश भाई अगर मैं आपकी दुकान पे निहारी खाने आऊँ तो मुझसे भी पैसे लेंगे आप? जी मेरे मुख्तसर बोलने वाले भाई। क्या मैं आपकी दुकान पे आऊँ आतिश भाई तो मुझे नली निहारी खिलाएंगे? देंगे, हम जरूर आपको देंगे, मगर प्लेट पे नहीं, शॉपर पे। अच्छा ये जो आपने पहने हुए हार वगैरह ये ओरिजिनल है कि या के नकली? आवाज बरदाना है, रूह जनाना है। We will take a short break here. Don't go anywhere. वेलकम बैक टू मस्तियां गैर। और आज हमारे प्रोग्राम में खबर क्या है ये हमें बताएंगी रुबीना। नहीं मैं सदके जावा, मां सदके जाए, पीटर तो उड़ाला बुरश हुंदा। तोनिया कुड़ियां जदियां ही होंदियां ने सरदार साहब। ये बच्ची बहुत अच्छी है, बिल्कुल मिट्टी हुई बच्ची। मिट्टी हुई बच्ची कैसी होती है भाई? किसी ना लड़ाई नहीं, किसी ना कोई झगड़ा नहीं, कोई वादा नहीं, काटा नहीं, अपनी खबर पढ़ के चुप करके बैठी। हां शी इज सो स्वीट, व्हाई वुड शी फाइट? पता नहीं चाहिए हल्का जो कि अमरूद रख दो टुकदी टुकदी रहे। अच्छा सरदार साहब को ये भी प्रॉब्लम है कि ना उसे कोई गेटअप करना पड़ता है ना कॉमेडी करनी पड़ती है, खबर पढ़े चले। नहीं तो तुहानू तो बहुत गेटअप करना पैंदा इत्थे आके, पौना घंटा तो तुहाडी लिपस्टिक ते लगदा ना। अल्लाह का शुक्र कर जिस मुंह ना उस मुंह ना सानू भैड़ा भूड़ा कह के घर चल जाना। खबर की तफसील। खबर की ये होया कि रौला? हाँ भाई खबर ये है कि गुजरात में रिक्शा ड्राइवर साहब वन वे जा रहे थे और ट्रैफिक वार्डन ने उनको रोका और कहा कि भाई मैं आप पे 2000 का चालान काटूंगा। तो इस बात पे रिक्शा ड्राइवर को गुस्सा आ गया और तू तो मैं शुरू हो गई, तू तो मैं से बात हाथापाई तक पहुंच गई। और जाहिर बात है ट्रैफिक वार्डन से जब आप हाथापाई करेंगे तो मुकदमा तो दर्ज होगा। सरदार साहब आए दिन ये इशू जो है ना वो चलता रहता है वार्डन का रिक्शा ड्राइवर के साथ या वो चिंची ड्राइवर जो है। Yes, बिल्कुल इस तरह की खबरें तो आती रहती हैं क्योंकि हमारे यहाँ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ही कितना किया जाता है। अब तो किया जाता है काफी हद तक। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, ट्रैफिक की रेड लाइट ऑन हुई, मैंने अपनी गाड़ी रोकी, पीछे से कितनी सारी गाड़ी आके मेरी गाड़ी में लग गई। नसीब देखो ना किसी का बंपर प्राइज लगता है तो बंपर लग गया। मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी में ना कमी आई है, जब से ये ई चलान आए हैं ना उसकी वजह से काफी हद तक कमी आई है, लेकिन घरों में लड़ाइयां शुरू हो गई। अच्छा लो जी ई चलान पे मेरे घर में झगड़ा हो चुका है। हाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो जो फोटो खींच के भेजते हैं ना। यहाँ पे मैं एक बात जरूर करूंगा कि ये जो इन्होंने एक नया रूल मुतारफ कराया ना ये सीटीओ ने। यस सीटीओ ने जी। ब्रेथ लेजर्स। ब्रेथ लेजर तो बड़ी अच्छी चीज है कि इससे पता चल जाए कि कोई ड्रंक ड्राइवर तो नहीं आ रहा। हाँ, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन ये किया कि जो वन वे आएगा उस पे मुकदमा भी दर्ज होगा, उस पर 2000 रुपए जुर्माना भी देगा, ये जरा थोड़ा सा सख्त है। नहीं क्यों सख्त है, मुझे लगता है कि रूल्स तोड़ने की बहुत सख्त सजा होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं अब ये देखे ना एक बंदे पे जब मुकदमा हो गया उसका CRO बन गया, क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया उसका, वो बेचारा कहीं पे भी जाएगा तो उसको तो वो मसला बन जाएगा। यार खुदा दा वास्ता तेरा एक भी है ना जो मसला नहीं, तू किसी की गड्डी ते आना किसी की गड्डी ते घर जाना है।
What I feel is people should be more careful on the roads. लोग हमारे ध्यान नहीं रखते हैं ड्राइव करते हुए. अरे वाकई है गुजरात एक अपने अजीज़ हैं जो बचे ने. ऐसे केरा अजीज़ ते केरी गल कर रहे पे हो. आप लोगों की बात कर. और साड़ी गरीब मार हो रही है बहना ऐसे. अजय करो निकले हैं वो 200 रुपए की दिहाड़ी नहीं बनी तो 2000 का चलान मेरे मत्थे पर. आप हैं कौन रिक्शा ड्राइवर हैं आप? मैं रिक्शा ड्राइवर और मैं जहाज चलाना वो. पिछले और ये जो बैठा ट्रैफिक वार्डन इस बेचारे पे जुल्म किया इसने, गलत चालान काटा. तो वन वे क्यों जा रहे थे आप? साडे मुल्क जो बड़े बड़े लोगों ने यू टर्न ले ले. मैं यू टर्न नहीं लिया, सीधी जरी गल है. तो यू टर्न लेना तो अच्छी बात है, अगर आप गलत जा रहे हैं गलती होगी तो यू टर्न ले ले. क्यों लगा मैं यू टर्न? मैं यू टर्न मैं नहीं लेना, मैं गुमरान खा हुआ. बदतमीज इंसान, ये किस कदर बदतमीज इंसान है वीना जी, मैं आपको बता नहीं सकता. पहली बात हुई वन वे आ रहा है, उसको मैंने रोका. बड़े प्यार से कहा मेरे भाई ये आपके बाप की रोड है. उसने कहा जी. ए गल लड़ाई वाली नहीं की, मेरे बाप तक जरा पहुंचे मैं उसकी वर्दी लुवा देंगा. यार तो कई साल हो गए तू अपने बाप तक नहीं पहुंचे, कोई तो पहुंचेगा नहीं. मैंने मेरे सीने च वायरलेस मारी है. मैंने तुम्हारे सर पे मारनी थी वायरलेस बेटा. मैं भी सिर च मारनी, मेरा सिर पा जावे मेनू को नुकसान हो जाए कौन जिम्मेदार है? जरा मैं तुम्हें दसा, मैं अपने रिक्शे नु भी अग लानी है फैमिली के सामने, ते अपने ते भी पेट्रोल सुट के अग लानी है, सीधी जरी गल. भाजी एक बात बताओ, इसकी मौत से इस मुल्क में इंकलाब आएगा? नहीं, असल में पहले ये भाई अपने आप को आग लगा चुका है, 80% जला हुआ है. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आए दिन ये लोगों की ट्रैफिक वार्डन्स के साथ बहुत ज्यादा तू तू मैं होती रहती है, वजह क्या है? व्हाट इज द बेसिक रीजन? मेरा जी मेरी बात सुने, सुबह से लेकर रात तक हम एक सिग्नल पे खड़े होते हैं, ठीक है. बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हमने वहीं पे खड़ा होना होता है. हम भी इंसान है, अगर हम थोड़ा सा हार्श हो रहे हैं तो भाई आप ही समझ जाओ बात को. वो उल्टा बदतमीजी कर करके हमारे साथ हमें दिखाएंगे तो फिर मेरे भाई हम क्या कर सकते हैं? आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूं, क्योंकि ये बेचारे सुबह से लेके शाम तक हमारे लिए खड़े होते हैं. जाहिर बात है दे आर डूइंग देयर जॉब, वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो आई थिंक पब्लिक शुड बी नाइस विद देम. खासतौर पर जब गर्मी का मौसम होता है ना, तो हमें चाहिए कि हम खड़े होकर इनसे सलाम लें और ये पूछें कि अगर आपने कुछ जूस पीना है, कुछ पानी पीना है, तो हम उनको मुहैया कर दें. कोई ऐसी बात बल्कि हो सकता है 15 मीटर लुटा के पीनिए. सबसे अच्छी बात जो है ना ये कि ये लोग पढ़े लिखे हैं, ट्रैफिक वार्डन तमीज से पेश आते हैं, अदब से पेश आते हैं. और ये जो रिक्शा ड्राइवर है, इसने ना तो पढ़ा होगा कि जी रिक्शा कैसे चलाना है, लाइसेंस इसके पास नहीं होगा, तो ये इस तरह ही बात करेगा. ये जो जाहिर बात है तो बेवकूफ जा बंदा, इन्हें डर लगता है, प्लग दम करा के गल चबा ले. पर रिक्शा तो मैं समझ नहीं आती, अपने रिक्शे पिछले लिखवाया जलने वाले का मुंह काला. ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ. ਪੀਰ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ. ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਲਮਕਾਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ. ਦੱਸ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁੱਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੋ ਪਾਸ ਕਰ ਵਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ. ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਹੌਲੀ. ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ. इस बंदे से पूछे ये उल्लू का पट्टा जा कहां रहा था, इसको इतनी जल्दी किस बात की थी, इस बंदे की वजह से इसका चलान हुआ है और इस बंदे की वजह से इसने मुझसे बदतमीजी की है. बताओ भाई तुम कहां जा रहे थे? मैं जनाब दस ना बस मैं रिक्शे च बैठा हुआ ते मैं नु दसे है कि यार मैं कल ही फिल्म देखी है जड़ी नवी मौला जट आई है. अच्छा इन्हें मेरे को पूछा स्टोरी किवे आ. मैं पहले इन पुरानी फिल्म की स्टोरी सुनाई है पूरी. हाँ जी उस तो बाद में नवी शुरू की स्टोरी ते ए मेरे स्टाफ तो बहुत अगे निकल गया. अच्छा पूरा गुजरात घंटे के मुक जाता है, इन्हें तो 6 घंटे दी दो फिल्मों नु सुनाती है. इन्नी देर ही जनाब ए संतरी बादशाह आ गए. अच्छा अब आप इन पे भी मुकदमा दर्ज करेंगे? बोरियत का मुकदमा दर्ज होगा जिसकी वजह से इनको ताज़ीराते पाकिस्तान के तहत सजाए मौत दी जाएगी. अच्छा वैसे रिक्शा ड्राइवर से 2000 फाइन लेना तो बहुत ज्यादा पैसे है ना, लेकिन अब क्या किया जाए? 1000 इससे ले लें, 1000 उससे ले लें, उसका भी तो कसूर है. नहीं नहीं जनाब मैं तो आप अपने रिश्तेदार को उधार लेने जा रहा था. मैं जनाब तानू की दसा की हालात होए पैने. ओ पैना 200 रुपया मैं जे वटिया नहीं गा, 1000 रुपया मैं कितों देना? मैं 2000 रुपए दी पर. तो आप डेली कितने पैसे कमा लेते हैं? मैं 500-700 रुपया 800 रुपया. अच्छा। दिहाड़ी बना लेना वा. मैं सब तो बड़ी गल करना ऐसा बादल ने रोके है यार. मेरा ऐ खुदा वाला बात है, छड़ दे यार तू रिक्शे वाला साहब जी. मैं तुहाड़ी नहीं समझ आई भी. चंगा भला तुम महाराज कथक साहब को एडा क्लासिकल सीखा इस फील्ड च आ गए. क्या बात
ट्रैफिक रोक दे बहुत सोनी करके आप माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। वैसे एक बात बताऊं आपको, आपने आखिरी वाला करदार ठीक नहीं किया, वो हल्का सा जनाजा कढ़ना ही आप उसको प्रोवोक किए जा रहे हैं, अरे इसके साथ भाजी बहुत ज्यादती हो रही है, आए दिन ये उसको चपेड़े मारता है, इसको बहुत तशद्दुद का निशाना बनाता है, हमारे साथ भी बदतमीजी करता है, ये है ही ऐसा। मिशन से आया जी, एक गुजरात आलम लो अरसा दे मजार दे बाहर बह के मंगता है, कहता जब तक मेरी जुगनी में बरकत नहीं पड़ेगी मैं यही पड़ा रहूंगा, यही पड़ा रहूंगा। ओ पिछे जो बंदा बैठा ना, वह बड़ा खुशनसीब बंदा है। किवें भी इहदे घर पहुंचने तो पहले दे बच्चे सौ जांदे क्यों? ओ कहते भी पापा ने भी आके बोर ही करना है तो नींद ही बेहतर। कानून बदमाशी कर रहा है, शहरियों को लूट रहा है, ढोल धमकी दे रहा है। ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हर लड़ाई पे ना जलती पे तेल का काम करते हैं। नहीं बाजी, तेल का काम नहीं, डीजल का। मैं इस शख्स को उसका हक दिलवाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी मौत इनकलाब लाएगी, तेरा खून रंग लाएगा। तो रोशनी होगी और ये कितना कुछ जल जाएंगे मेरे भाई। बस ये बातें मैं सुनती रहती हूँ कि बस जान की बाजी लगा देंगे। आपको याद नहीं रहा बाजी, तहरीर स्क्वायर भूल गई आप? इतना बड़ा इंकलाब आया था एक बंदे की वजह से। ये अपना रक्षा जलाएगा, मैं देता हूँ साथ। अरे मैं पेट्रोल लाके दूंगा, रक्षा और खुद जा और असेंबली जाके आग लगा दे, देख फिर कैसा आता। अरे वो गलत था, वो कोई अपराइट आदमी नहीं है कि इंकलाब लाएगा। लोग साडे मुल्क दे विच जूंदे जी नहीं पुछदे, और जो मर जांदे ने फिर पुछदे ने, तो जूंदे जी मेरी बात ने पुछी उल्टे जख्म लगाए ने। भाई तेरे बड़े बड़े दे लोका मेरी कब्र ते फुल चढ़ाए ने, और सानू ते एक चिणक ना लभी अपनी कुल्ली साड़न नु। भाई तेरी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगेंगी चौको चौराहों पे, बेफिक्र रहे, मेरा नाम रोशन होगा। और भाई तेनू तेल ते रिक्शा दे ते मेनू ते घर छड़ के आवे। और जिस बंदे दे घर रोटी खान ली नहीं होगी, और जिस बच्चे दे कपड़े पान नु नहीं होणगे, ओदा किराया देन नु नहीं होएगा, ओदा बिजली दा बिल भरनी होएगा, तो इनकलाबी बन जाएगा। तू दी गल के नहीं सुनेगा, ब्रेक ले ब्रेक ले मेरी भैन, तेरी मेहरबानी मर जाएगा, ब्रेक ले ले। मैं मरूंगा, मैं मर जाना, मैं बग्गा छोटी सी ब्रेक, स्टे ट्यून। मस्तियों में एक मरतबा फिर खुशामदी। अच्छा एक सवाल वीना जी, आज पूरे शो में जफरी खान कहाँ है? ये सवाल सिर्फ आपके जहनों में नहीं, ये सबके जहनों में है। कहाँ है जफरी खान? मैं उसकी पोपी हूँ। जानते हैं ना ज्यादा उनके दोस्ती वोस्ती बहुत ज्यादा है। होना की जफरी खान मौसम देखो ना की जा रहा है, ठंड है। हाँ जी। कल अपने फॉर्म हाउस से बनियान पाके फिरदा रहा है, ठंड लुआ बैठा है। अब यकीन जानिए वो शो के लिए घर से निकले हैं तैयार होके। अच्छा। लेकिन उन्हें टेम्परेचर था और साथ जुकाम भी था, और इतनी ज्यादा उसे सर्दी लग रही थी कि पहले वो 2 घंटे गाड़ी में कंबल लेके सोए रहे हैं। उन्होंने सब्जियां भी बदवा लगी, बेटनियां तोड़ दे। और सोने बंद गोभी तोड़ी है। अच्छा जी। बंद गोभी फिर मुंह खोल कर वो बदवावा देती ने। कूड़ा ऐ टाइम है मैंने तोड़न का, ये टाइम तोड़ रहे हैं। और यूपी से सब तो ठंड लगती नहीं ना। हां जी। उन्होंने तो अम्मी और दुआ दी कि जा वे पुत्र तेनू कभी ठंडी हवा ना लगे। सरदार साहब आप भी एक हफ्ता पहले बीमार थे। मैं भी बीमार हो सकना, मैं एरन मैन। सियाने कहते ना नी आंधी ठंड को जानी ठंड को बचना चाहिए। बिल्कुल, जब भी मौसम चेंज हो रहा होता है ना, ये जो ठंड की वजह से नहीं लोग बीमार हो रहे हैं। होती भाई ठंड होती है, ये ठंड की वजह से लोग बीमार नहीं हो रहे, बेसिकली ये वायरस है जो कि हमें इन्फेक्ट कर रहा है, और हमें चाहिए कि हम अपनी केयर करें। बिल्कुल सही। मास्क का इस्तेमाल करें, और ये है कि आप बिला वजह बाहर ना फिरें, और इसके अलावा ये काम तो पहले कर लें, यखनी पिए। नहीं ये तो कर लें पहले, यखनी पिए। नहीं यखनी खाने पीने की तो बाद में बात आती है। मैं सुबह जब उठता हूँ ना पहले सबसे भाप लेता हूँ। सबसे भाप ना लिया करें, बहुत जर्म्स होते हैं। सबसे पहले अच्छा भाई भी उतार के भाप लेते हैं। और भाभी जी ने कह दी मैंने उठते भाप लिया था, क्या भाप लेंगे।
देखिए बिल्कुल अबू बकर ने सही बात की है, असल में सिर्फ वायरल इन्फेक्शन ही नहीं है बल्कि आबो हवा कितनी आलूदा है, कितनी पोल्यूशन है, स्मॉग कितनी ज्यादा हो चुकी है, स्मॉग कितनी ज्यादा है। अच्छा कैफी यू डिडंट गेट सिक राइट, इवन लाला वाज सिक। मैं बीमार नहीं हुआ, मेरा पाँव टूट गया था। ओह हाँ, ये भी हुए थे बीमार बाय द वे, इनके पाँव में मोच आ गई थी, पता नहीं कहाँ डांस करने चले गए थे। सरदार साहब आप दो दिन बीमार रहे थे? हाँ जी दो दिन। दो दिन अस्पताल रहे ने, एक दिन घर रहे ने। इन्नी तुहाडी याद आई नाल दा बेड खाली सी, मैं कहा थे वो मेरा भरा हुंदा। खत्म होता है अगले एपिसोड में, फिर मुलाकात होगी आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।